हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एबीएक्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 30 डेज प्लान 100% गारंटी स्टेप बाय स्टेप। आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाए, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले जान लीजिए आज का दिन। आज है 25 दिसंबर 2019 का दिन। आज के दिन क्रिसमस मनाया जाता है पूरी दुनिया में और आज 25 दिसंबर 1642 के दिन महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। तो ये दो वजहों से 25 दिसंबर का दिन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा खास। तो इसी बात पे एक आपको एक अनोखी जानकारी लगी हो आइजैक न्यूटन के बारे में तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम लोग देखते हैं क्या कि आप लोग तैयारी आपको किस तरह से करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर में ही तैयारी हो जाए। एनटीपीसी कभी भी आपके एग्जाम की घोषणा हो सकती है। इसके लिए आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और दो चीज़ों मतलब कि तैयारी, स्टडी मटेरियल और इसके बारे में आपको कैसे करना तैयारी, कहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, एक एक स्टेप को आप सीख लीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं स्टेप वन की और स्टेप टू की। आपको एक्चुअली तीन स्टेप माना जा सकता है यहाँ पर कि आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए सही स्टडी मटेरियल का होना भी ज़रूरी है, तभी आप एक महीने के अंदर में आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए आपको सिलेबस बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा और देखते हैं क्या सब रहता है सिलेबस इसका। तो आपका देखिए एग्ज़ाम, अब देखिए आपने जो फॉर्म डाला था नोटिफिकेशन में सिलेबस का पैटर्न जो है कुछ और देता है और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आती है वो कुछ और आती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है। तो सबसे पहले देखिए पैटर्न, तो आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम का CBT 1, एनटीपीसी एग्जाम के लिए CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपको दो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा CBT 1 CBT 2। जो लोग ASM के लिए आते हैं उन लोगों को यहां पे गुजरना पड़ेगा किस चीज़ से, एक साइको टेस्ट भी उन लोगों को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं NTPC CBT 1, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं, तो देखिए तो सबसे पहले NTPC CBT 1 के लिए हम लोग बात करते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको क्या सब पूछा जा सकता है। तो CBT 1 में आपको देखिए नंबर वन जो सब्जेक्ट आपका बन रहा है वो है आपका बन रहा है मैथ। मैथ से जो आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो आता है, टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 100। क्वेश्चन कितना होता है टोटल, वो होती है 100। 100 क्वेश्चन में से, इस 100 क्वेश्चन में से आपको देखिए मैथ के लिए कितना क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। वैसे तो बता रहा कि 60 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आ सकता है, लेकिन आपका कभी कभी यानी कि 30 क्वेश्चन से दो चार क्वेश्चन कम भी आता है, कभी दो चार क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है, यानी कि 26 से लेकर के आपका 34 क्वेश्चन तक, यानी इसके बीच या तो 26 क्वेश्चन आ जाए, 27 क्वेश्चन आ जाए, या फिर 28 या फिर 29 या फिर 30 या फिर 31, यानी 26 से लेकर 34 क्वेश्चन तक आपका मैथ के आ सकता है। पिछला जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें मैंने देखा इतना सारा क्वेश्चन। वैसे रेलवे बताती है कि आपको 30 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि मैथ को टच नहीं करता, रीजनिंग को टच कर जाता है। कुछ ऐसा टॉपिक जो कि मैथ को टच नहीं करता, फिजिक्स न्यूमेरिकल को टच कर जाता है, इस वजह से आपको क्वेश्चन लगा कि कम है या फिर ज़्यादा है। वैसे वो 30 क्वेश्चन इसका एवरेज बनता है, लेकिन आपको 26 से लेकर 34 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग को। रीजनिंग में से देखते हैं कितना क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और तो
रीजनिंग टॉपिक में से इसमें भी आपको 26 से लेकर के 34 क्वेश्चन तक आपका एग्जाम में आ सकता है, यानी कि इतने के बीच में से क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए कि मैथ और प्लस रीजनिंग ये दोनों मिला के कितना क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो वो आपका 60 प्लस ही क्वेश्चन आता है। आप इसका 6 यानी 65 इसका आप लोग बना लीजिए कि आपको मैथ प्लस रीजनिंग में से कम क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा क्वेश्चन 65 यानी 65 क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद जो एक पेपर होती है वो होती है आपका जीके पेपर यानी जीएस पेपर। अब देखिए इस जीएस पेपर में से आपका कितना आएगा एग्जाम में, इस जीएस पेपर यानी कि जनरल स्टडीज जीएस पेपर, देखिए इसको आप तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग आपका होगा यानी कि आपका इसका पहला भाग जो होगा वो साइंस पेपर मान लीजिए, दूसरा जो है वो है आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा जो है वो है आपका आर्ट पेपर यानी आर्ट पेपर। तो यानी अब देखिए अभी इसको मैंने तीन भाग में डिवाइड कर लिया, वैसे पूछ रहा है कि आपको 100 में से 40% क्वेश्चन जो है वो आपका जीएस आएगा जनरल स्टडी जनरल अवेयरनेस। इसको मैंने तीन भाग में डिवाइड कर लिया। अब देखिए इसमें साइंस है, करंट अफेयर्स है और आर्ट पेपर है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में इसकी संख्या होगी आपका 15 यानी कि 15। तो अब देखिए 65 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग और 15 क्वेश्चन आपका हो गया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में से तो आप 65 और 15 कितना हो गया 80 यानी 80 100 में से 80 क्वेश्चन जो आपका और मैथ रीजनिंग प्लस करंट अफेयर, ये सब डेटा मैं क्वेश्चन को देख करके आपको निकाल के बता रहा हूँ, आप खुद जा करके देख सकते हैं। उसको देखिए अब देखिए साइंस पेपर और आर्ट पेपर, वैसे 2016 की बात है तो 2016 की स्थिति कुछ और है, अभी की स्थिति कुछ और है। ये एग्जाम जो हुई थी 2016 में हुई थी, पैटर्न बिल्कुल सेम वही है, लेकिन उस समय जनरल अवेयरनेस के अंतर में ये आर्ट पेपर से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते थे। यानी आपको अब क्वेश्चन बच रहा है 20 में से आपका 12 से 13 क्वेश्चन तक, यानी कि आर्ट पेपर में से 13 क्वेश्चन तक आपका उस टाइम में पूछ रहा था हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये सब में से। लेकिन अभी जमाना इसके जस्ट उल्टा हो गया है, अभी इतिहास में से आपको क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। तो अभी के अनुसार आपका ये आर्ट पेपर में से क्वेश्चन इसकी संख्या 13 से भी घट करके 7-8 पे आ जाएगी और आपका 12-13 क्वेश्चन जो है साइंस में से पूछ सकता है। तो अब आपको पूरा जानकारी मिल गया होगी कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। तो आपका ये रहा आपका पैटर्न, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसको मैंने इसलिए बताया कि अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाती है, अभी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट बन जाती है वह बन जाती है आपका मैथ रीजनिंग। मैथ प्लस रीजनिंग आपका 65 प्लस यानी आपको 65 क्वेश्चन पूछे जाएगा मैथ और रीजनिंग में से, 30-35 का आप इसमें एवरेज रख सकते हैं और आपको। तो ये रहा आपका नंबर वन सब्जेक्ट मैथ प्लस रीजनिंग। इसके बाद जो देखिए नंबर टू जो सब्जेक्ट आपके लिए बन रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है कितना, 15 क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से करंट अफेयर्स में से। इस बात को अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा है जिस टॉपिक का वैल्यू ज़्यादा है उसमें से आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिस टॉपिक का वैल्यू ज़्यादा है उसमें से आपको ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं मैथ रीजनिंग हो गया, उसका देखिए साइंस पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्ट पेपर का उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर्स को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग कवर कीजिए किसको, साइंस पेपर को, उसके बाद में समय मिलता तो आर्ट पेपर को पढ़ लीजिए। आपको तैयारी किस तरह से करनी है, जितना भी टॉपिक है उसका पहले आप लोगों को बेसिक तैयार कर लेना। तो अब आप लोगों को सिलेबस और पैटर्न अच्छी तरह से आ गई होगी समझ में। अब हम आपको बताते हैं 30 डेज प्लान क्या होगा। आप लोग देखिए कि आप लोगों को तैयारी के लिए जो 30 डेज प्लान है वो क्या हो सकता है, आप लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं तैयारी।
यानी कि आपको आपके पास मान लीजिए आज के बाद जस्ट 30 दिन का ही आपके पास समय है और आपको कैसे करना है तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है, तो आपको तैयारी करना है किसका, मैथ और रीजनिंग का। तो सबसे पहले नंबर वन जो सब्जेक्ट है वो आपका है, मैं बनता हूँ इसको रीजनिंग को। इस रीजनिंग टॉपिक में कितना टोटल जो चैप्टर पूछ रहा है, लगभग मैं 20 चैप्टर में से आपका 26 से लेकर 34 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए रीजनिंग देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है भाषा आधारित, दूसरा होता है फिगर आधारित, और एक तीसरा भी सेक्शन इसमें जोड़ लीजिए जो कि तर्कशास्त्र, जो कि स्टेटमेंट के ऊपर है, कथन और कारण टाइप का। तो अभी के एग्जाम में कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो देखिए रीजनिंग में आप इसको तीन सेक्शन बना लीजिए और देखिए वो तीनों सेक्शन कौन, सबसे पहले तो है भाषा आधारित, यानी जो क्वेश्चन मैथ की तरह भाषा पे बनती हो, जिसमें कि दिशा परीक्षण इम्पोर्टेंट हो गया, इसके बाद आपका जो मैथमेटिकल जो यानी कि रीजनिंग जो है मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है वो इम्पोर्टेंट हो गया, दिशा परीक्षण इम्पोर्टेंट हो गया, पजल इम्पोर्टेंट हो गया, इसके अलावा कैलेंडर और घड़ी, ये आपका मैथ में भी पढ़ना है रीजनिंग में भी पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ये रहा आपका भाषा आधारित। तो भाषा आधारित रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें से आप 100% नंबर को आप ला सकते हैं कम टाइम में बना करके। अब देखिए दूसरा जो है वो आपका होगा चित्र आधारित, यानी कि चित्र पे आधारित रीजनिंग, जिसमें कि आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, इसके अलावा आपको जो फिल यानी कि ब्लैंक को फिल करने वाला एक पैटर्न होता है, पैटर्न टाइप, वो भी पूछता है। उसके बाद देखिए अब तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको तर्कशास्त्र बोलते हैं, यानी कि उसमें रीजनिंग में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका उसी में से आता है, जो कि तर्क, जो कि आपका कथन कारण या फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है ज़्यादा, सिलोसिज्म वो सब चीज़ें। तो इसको कैसे करना आपको तर्कशास्त्र। अब देखिए आपको इस तर्क टाइप के क्वेश्चन क्या करना था, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा होता है, उस क्वेश्चन को कैसे करना आपको कंप्लीट, तो उसको क्या करें बस फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए। वैसे मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं बस हल्का से एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है। तो जिसमें से आपको समय कम लगे और 100% तैयारी हो जाए उसको आप पहले पढ़ लीजिए, और पढ़ाई का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तो इसलिए आप पेशेंस रख के हमारे चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए लास्ट तक। तो देखिए तर्क आधारित हो गया, अब इसमें से आपका लगभग क्वेश्चन आपको 70% तक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, तो इसको बस एक बार बना तो ठीक है, नहीं तो भी इसको छोड़ दीजिएगा। आपको चित्र में भी वही बात है, जो चित्र बस बनने वाला होगा उसी को बनाइए, जो चित्र कन्फ्यूजिंग होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो रीजनिंग में से आपका जो क्वेश्चन लगभग हमें 30 ऑफिशियली रूप से 30 बताए कि 30 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस 30 में से आपका 22 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक लाना बिल्कुल ईजी होगा। अगर आपका क्वेश्चन ईजी देता है, टाइम के अंदर बनने वाला होता है, तो आपको 27 से लेकर 28 क्वेश्चन तक भी आप बना करके नंबर आप ला सकते हैं रीजनिंग में खास करके। तो चलिए ये रहा आपका रीजनिंग की बात, इसमें आपको 20 से 25 चैप्टर आपको पढ़ना है और वो सब चैप्टर का नाम मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम देख लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं मैथ्स के बारे में, इसको मैंने दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैंने रखा। वैसे मैं आपको मैथ और रीजनिंग को एक ही सब्जेक्ट मानता हूँ, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा पहले बनता है, उसमें फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होती, इसलिए मैं रीजनिंग को आसान मान करके मैथ से ऊपर रखता हूँ, और क्वेश्चन जो है वो मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका रीजनिंग में से आता है। रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल जीके टाइप में होता है, बस एक बार क्वेश्चन देखिए बन गया, लेकिन मैथ में वो बात नहीं होती है। मैथ में भी देखिए 18 से लेकर के 20 चैप्टर में से आपका 26 से लेकर के 34 क्वेश्चन के बीच आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें देखिए अब मैथ में भी देखिए मैंने इस मैथ को तैयारी के लिए बस ग्रुप बनाया, और मेरा जो तरीका है आप लोग जो ट्रिक से बनाते हैं उस ट्रिक से आप मत बनाइए, आपको कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिसमें कि आपका 70% तक क्वेश्चन जो है आपका मैथ का 70% तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल मुंहजवान नहीं बजा, बिल्कुल माइंडली बनने वाला हो। तो इस तरह से अपने आपको ट्रेंड कीजिए, और ये सब कुछ मैं आपको तरीका बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से कैसे मुंहजवानी मैथमेटिक्स को बना सकते हैं। अब देखिए अब इसके लिए क्या तरीका है कि आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ट्रिक से,
ट्रिक्स जो आप पढ़ाई करते हैं ये ट्रिक से पढ़ाई करना आप बंद कीजिए। आप जिस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएगा वो ट्रिक काम नहीं करता है, वो ट्रिक वाला जो भी क्वेश्चन है मेरा तरीका अपनाएगा तो आपको बिल्कुल वो सब चीज़ मुंहजवा नहीं बन जाएगी। आपको कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मैथ को बनाने के लिए मैंने एक नया तरीका डेवलप किया है और वो जो तरीका है वो 3 स्टेप फुल मैथ कंप्लीट, यानी कि आप तीन स्टेप में आप पूरा मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेप है लैंग्वेज और तीसरा जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन। अब देखिए इस 3 स्टेप को अगर आप अपनाते हैं हमारे तरीका को तो आप पूरा मैथमेटिक्स को बिल्कुल मुंहजवानी बना सकते हैं और पूरा मैथ में जो आपको पढ़ना है वो टोटल आपको 32 चैप्टर ही पढ़ना है, आपको बस 32 चैप्टर की ही पढ़ाई करनी है। तो इस 32 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन लगभग हमें 26 से लेकर 34 के बीच क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, लेकिन आपको 17-18 चैप्टर में से आपको किसी में से 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अब देखिए इसको बस तैयार करने के लिए आप अगर एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ाई करते हैं, एक चैप्टर सुबह में एक चैप्टर रात में शाम में, तो आपका 32 चैप्टर बस 15-16 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको देखिए एक टिप से आप ये मानिए कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसका पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए। जैसे कि हमको मान लीजिए तैयार करना है फिजिक्स को। अब मान लीजिए फिजिक्स को देखिए, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस NTPC के लिए हमको बस फिजिक्स को तैयार करना है फिजिक्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में टोटल आपको 22 चैप्टर है, कितना चैप्टर है 22 चैप्टर। किसी भी टॉपिक को आपको पूरा डीप से नहीं पढ़ना, पहले जितना पूरा सिलेबस है इसको पहले बस बेसिक पढ़ लीजिए, इस पूरे सिलेबस को बस बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा बस डीप जाइए, बस बेसिक पढ़े जितना भी टॉपिक है सबको बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। इससे क्या होगा चैप्टर जल्दी निकलेगा और आपका पास नॉलेज जो है 50% से ज़्यादा आ जाएगी। उसका फिर जब दोबारा रिपीट कीजिएगा तो जो चीज़ें होगी वो आपका इजीली आसानी से समझ में आएगी। तो ये रहा आपका तरीका पढ़ने का कि पहले जितना भी टॉपिक है सबको बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ करके इसको पढ़ सकते हैं और अच्छा से। फिर देखिए आपको मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको साइंस पेपर हुआ, करंट अफेयर्स हुआ। अब आप आते हैं कि आपको तैयारी जो करनी है वो कहाँ से करनी है, आपको ये सब के लिए कौन सा बुक इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैं जो चैनल 2016 से हम इसको चला रहे हैं, तो मैंने ये सब तैयारी के लिए मैंने किताबें लिखी, बुक्स लिखा। और आपको अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो इसी बुक में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, मैथ और रीजनिंग का 100% टाइप आपको एग्जाम में टैली करेगा। और करंट अफेयर्स, GK और साइंस पेपर, ये तीनों पेपर में से जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 90% तक क्वेश्चन आपको, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 90% तक क्वेश्चन जो है आपको हमारे नोट्स में से ही आ जाएगा। तो इस नोट्स जो कि बुक बोल सकते हैं आप, मास्टर नोट्स मैथमेटिक्स है, सॉरी मास्टर नोट्स का ऑल चैप्टर का ऑल सब्जेक्ट का आता है, आप लोग मास्टर नोट से तैयारी कीजिए, आपका इसमें से 90% तक क्वेश्चन इसी में से बिल्कुल टैली करेगा। ये बिल्कुल आसान भाषा में है और हमने इस चीज़ को लिखा है, तो आप लोग इस बुक से पढ़िए। उसके बाद आप लोग के पास ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, बेस्ट कोचिंग। तो इसके जैसे कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो एक ही चैप्टर, यानी कि आपको सोचिए कि मैथ को आपको पढ़ने के लिए हजारों तरह के आपको ट्रिक याद करना पड़ता है, लेकिन आपको हजारों तरह का ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे वो जो 3 स्टेप जो फॉर्मूला है उस 3 स्टेप को समझ लीजिए, उसके बाद आप डेली 2 चैप्टर आराम से बनाइए, 15 दिन में पूरा मैथ को ख़त्म कर सकते हैं और वो बिल्कुल 1 से 2 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके
करके यानी मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करके आप इजीली आप इसकी तैयारी को कर पाइएगा। तो बस आप लोग मास्टर नोट्स को लीजिए, इसमें से पढ़ लीजिए, 90% क्वेश्चन इसी में से आ रही है, तो आपका एक महीने के अंदर बिल्कुल ईजिली तैयारी हो जाएगी। आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई, अगर आपने हमारे छोटी छोटी बात पे ध्यान दिए होइएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आपको किसी भी तरह कुछ दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए और आपका जो भी प्रॉब्लम हो हम आपके उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। अगर आपको किसी और टाइप का कुछ भी और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल बता देंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी क्रिसमस एक बार फिर से, और हम आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हमें उम्मीद है अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए थे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं, आप बिल्कुल रिजल्ट को निकाल पाइएगा, बस आप हम लोग हमारे तरीके को बस आप लोग फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।